इलेटेड इज़ दी वर्ड, इलेटेड, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली. एंड नेहा जी आपकी ये बोलेंगी, बोलिए आप. इनको इतना अच्छा लग रहा है कि मुंह धो कर रहा है कर क्या पसी. अरे यार सब लोग नहीं नहीं फ्रैंकली दोस्तों, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. एंड मेरे ख्याल से हम ये सारे शब्द बहुत बार बोल रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, वी आर कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर. सो आई वुड वांट टू से इट्स अ स्पीचलेस फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ टीम फीलिंग. बिकॉज दोस्तों जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो एक चीज़ों की रियलाइजेशन भी आ जाती है कि आपने सबने मिलके ये ख़त्म किया है, ये काम ख़त्म नहीं, मतलब आप एक सब मिलके कहीं पे पहुँचे हैं, तो यू फील दैट यूनिटी टुगेदर. बिकॉज अगर साथ नहीं होते तो यहाँ तक पहुँचते नहीं. सो आई थिंक इट फील्स लाइक अ फैमिली, इट फील्स लाइक अ टीम, इट फील्स लाइक अ फ्रेंड, इट फील्स लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल कि अब हमें और बेहतर और अच्छा करना है. सो वो तो हम लोग सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं, लेकिन शूटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर. बिकॉज़ यहाँ पर डॉक्टर एवरी डे, द डॉक्टर इज़ प्रेजेंट, फिर हम आते हैं तो यहाँ पे तीन बार ही चेक होता है. सो आप चाह करके भी अगर आप जो है अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वो हो नहीं सकता है. बाकी नेहा जी एक्स्ट्रा ध्यान रखती हैं अपना एंड सबका. हाँ बताइए. सो डेफिनेटली हमारे शो में तो एक्स्ट्रा केयर रखा ही जाता है. इन दैट केस कोविड टेस्ट मुझे भी याद नहीं कि कितनी बार, दैट्स लाइक 17-20 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉट टेस्टेड सो फार. एंड विद द doctors and sanitization and hygiene and everything has been taken care. But when we talk about the personal take care of COVID, I think he's too scared. I think it's a very good thing. बहुत अच्छा कर रहे हो. And आप ये ऋषि रोली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरे दो अनमोल रतन हैं. इनके वजूद से ही मेरा वजूद है. बच्चा सीधे तो खड़े हो, मेरा वजूद है तू. सो ये मेरे दोनों, दे आर लाइक पिलर फॉर मी, दे आर द पिलर ऑफ द शो एक्चुअली. इनके वजह से ही शुभ्रा है तो रिश्ते हैं तो हस्बैंड एंड एवरीबडी, लाइक एवरीबडी. इनफैक्ट यश, आई मीन हर्ष हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड हिज जर्नी विद द किड्स, हाउ ही गॉट अटैच्ड विद ऋषि. एंड सो आई थिंक हमारे शो का आधार और विचार सब हमारे बच्चे हैं. एंड दे आर सच स्मार्ट किड्स. मैं ये चतुर नहीं कहूँगी जो दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत तमीज़दार बच्चे हैं. और माँ बाप की बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे कि मैंने भी सिखाया. और मैं चाहूँगी कि अच्छा दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूँगी कि दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाएं. क्योंकि अगर रियल लाइफ माँ को और रियल लाइफ पापा को क्रेडिट मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों बच्चों का क्रेडिट इनके माँ बाप को जाता है. क्योंकि अगर जो संस्कार आप बच्चों में डालते हैं, वही वो उसी तरीके से अपने काम की जगह पे अपने दोस्तों के साथ बिहेव करते हैं. तो आई थिंक इतने तमीज़दार, इतने संस्कारी और इतने अच्छे बच्चे हैं कि इनको कुछ भी समझाना, सिखाना, बताना मुश्किल नहीं होता है. सो आई फील वेरी प्राउड कि ये दो मेरे बच्चे शो में प्ले कर रहे हैं. इनकी वजह से शायद मुझे अच्छी माँ बनना आ जाएगा. पता नहीं, मैं ऑब्वियसली एज यू ऑल नो आई एम नॉट अ मदर येट, बट मुझे पता है कि अब माँ बन के क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट दीज टू किड्स. थैंक यू.